डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कल जो फॉर्मूला आप लोगों को मैं बताया था उसी बेस पर आज ये एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज आप पुराने बुक में देखिएगा, टू आई है न्यू बुक में एक्सरसाइज दूसरा हो सकता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना है 3x + 2 का होल क्यूब, यानी आपका ये एक्सपेंड करने का जो क्वेश्चन दिया गया है, या ए प्लस बी के होल क्यूब पर, इसको ए कहिए और इसको बी कहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b + 3ab² ए के रूप में यहाँ पर क्या है 3x है इसका होल क्यूब, बी के रूप में आपका यहाँ पर 2 है 2 का होल क्यूब प्लस 3a × b ए के रूप में 3 है, बी के रूप में 2 है और पूरा ए प्लस बी यानी 3x + 2। केवल फॉर्मूला पर आप इसको सेट कीजिए, इसके बाद से पावर में 3 है यानी इसका आपका 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा 27x³। 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा ये होगा 1 प्लस 3 9 9 13x ब्रैकेट में 3x + 2। एक स्टेप और आगे आपको बढ़ना है, 27x³ + 8 + 54x² और इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 36x। इस प्रकार से एक्सपेंड हो गया, यानी आपका जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला आप चेक कीजिएगा, आपका एक्सपेंड हो जाएगा। ये प्लस वाला था, यहाँ पर माइनस वाला है, माइनस वाला में भी वही काम होगा, केवल साइन बदलेगा। 2x³ - 2x³ - 3 × 2x × 2x ब्रैकेट में 2x - 2x। अब आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो इसका 3 times मल्टीप्लाई 8x³, इसका 3 times मल्टीप्लाई कीजिएगा 8x³। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8x क्या हो गया, कट गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर 2x - 2x। एक स्टेप आगे आपको बढ़ना है, 8x³ - 8x³। अब आप देखिए इसमें इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 × 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 24x, ये माइनस माइनस प्लस, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 × 24 / x, ये भी एक्सपेंड आपका हो गया। अब आता है तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो कि दिया गया है 95 का होल क्यूब। ऐसा नहीं है कि आप 95 का 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इसको भी आपको फॉर्मूला के अनुसार इसको बनाना है। 95 100 के नज़दीक है, 100 में से आप 5 को माइनस कीजिए, ये क्यूब हो गया। आप फॉर्मूला को सेट कीजिए, 100 × 5 − 3 × 100 × 5 ब्रैकेट में 100 - 5। आप इसको 100 को 3 times मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 1 2 3 4 5 6 लीजिए, 5 × 3 times मल्टीप्लाई कीजिएगा 125 − 3 × 5 = 1500 हुआ, अब ब्रैकेट में आपका 100 - 5। अब आगे आपको क्या करना है कि इससे इसमें मल्टीप्लाई, इसे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप इसको मैं आगे बता रहा हूँ ऊपर, −125 − इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 पर कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 0 और माइनस माइनस प्लस आपका होगा 15 × 5 = 75 × 0। अब आपको क्या करना है कि इसको और इसको आप ऐड कर दीजिए और ये दोनों माइनस वाले को ऐड कर दीजिए और उसके बाद से आप इसको क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ 0 0 5 7, 4 अंक हो गए यहाँ तक, इसके बाद 0 0 1 − 3 दोनों का पैक कीजिए 5 2 1 0 5 1। अब आप इसमें से इसको माइनस करके आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें मात्र 3 टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है,
आप बाकी क्वेश्चन को इसमें सर्च कीजिएगा, जहाँ प्रॉब्लम हो आप मैसेज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सुलझाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया था, उसी के बेस पर ये पहला एक्सरसाइज है।